गाइज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे रेडमी फ़ोन में यानी कि एम आई का जो रेडमी फ़ोन होता है उसमें कैसे फ़ोटो को हाइड कर सकते हैं। तो फोटो को हाइड करने के लिए आपको बहुत सारा तरीका मिल जाएगा, जैसे कि गैलरी में अगर आप क्लिक करते हैं तो आप यहां से भी यानी कि गैलरी से भी आप फ़ोटो को हाइड कर सकते हैं। उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ पर क्लिक करके सीख सकते हैं कि आप रेडमी फ़ोन में गैलरी से फ़ोटो कैसे हाइड कर सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको एक अलग ही तरीका बताने वाला हूँ जो कि हर किसी का पता नहीं होता है। बहुत सी तरीके से फ़ोटो को हाइड करके रख सकते हैं, किसी को भी पता नहीं चलेगा। तो अगर आपको भी जानना है तो ये वीडियो स्किप किए बिना तक देखते रहे, तो चले वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, रेडमी फ़ोन में फ़ोटो को हाइड करके रखने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो फाइल मैनेजर ओपन कर लेना है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ इस तरह से आपको भी ओपन करना होगा। और ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंपली यहाँ पर थ्री डॉट देखने को मिल जाएगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आया है प्राइवेट फाइल्स, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको ये कैंसिल करना है, और कैंसिल करने के बाद आपका जो ऐप्स लॉक लगा हुआ है वो कुछ इस तरह से इसको ओपन कर देना है। और जैसे ओपन करेंगे तो उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मेक फाइल प्राइवेट, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप जो भी फाइल यहाँ पर प्राइवेट रखना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ से जो मेरा फ़ोटो है उसको मैं प्राइवेट रखना चाहता हूँ, तो जो भी आप फ़ोटो प्राइवेट रखना चाहते हो उसको आपको कुछ इस तरह से सेलेक्ट करना है। और जैसे सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ओके का ऑप्शन, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं वो फ़ोटो यहाँ पर आ गया, यानी कि ये जो फ़ोटो है ये प्राइवेटली यहाँ पर सेव हो गया, ये कोई भी और देख नहीं पाएंगे, यानी कि आपके मोबाइल से ये हाइड हो चुका है। तो मैं आपको फिर से इसको बैक करके दिखा देता हूँ, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बैक हो गया। अगर आपको वो फ़ोटो देखना है तो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले यहाँ पर आया था लेकिन अभी यहाँ से हट गया है। तो अगर आपको वो फ़ोटो फिर से देखना है तो आपको क्या करना है, फिर से यहीं पर जाना होगा, और उसके बाद आपको यहाँ पर प्राइवेट फाइल्स पर क्लिक करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से आपका जो भी लॉक है वो ओपन कर देना है। और ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं वो जो फ़ोटो मैंने हाइड किया था वो यहाँ पर आ गया है। तो इस तरह से आप अपने रेडमी फ़ोन में फ़ोटो को प्राइवेटली सेव कर सकते हैं, यानी कि हाइड करके रख सकते हैं, किसी और को पता नहीं चलेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, और इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।